अभी लोग टाइम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मेरा अगला टारगेट शुरू भी हो। माय इंस्पिरेशन प्रियंका चोपड़ा। एक्शन फिल्म में सलमान या रोमांटिक फिल्म में SRK? वहां पे स्टेज पे सलमान सर ने पहले मेरे को बोला था कि आपको क्या बोलते हैं। आपका 2021 के लिए कोई रेजोल्यूशन था? And how is it going? 2021 के लिए मेरा रेजोल्यूशन था कि आफ्टर कोविड मेरे को कुछ अलग तरह का स्ट्रेस हो गया था। दिसंबर में मैंने मतलब आई थिंक मैंने लाइफ में इतना मीठा नहीं खाया होगा, कैरेट केक और ये मतलब मैंने कोई मिठाई नहीं छोड़ी और मैं खाती थी। लेकिन इस सॉन्ग के टाइम पे और अब के वक्त में मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 kg लूज किया है। तो मैं शूट पे जाती थी, सुबह जिम जाती थी, वापस आके फिर जिम जाती थी और मैं स्टडी भी कर रही हूँ साथ साथ, रात को जूम क्लासेस लगती थी। तो मैं पूरा दिन वो मेरे को था कि मुझे और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। तो ये रेजोल्यूशन जो था अभी तक काफी हद तक हो गया है सही। आपके लिए क्यों जरूरी है सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सप्रेस करना और जिन मुद्दों के बारे में आप बिलीव करती हैं उसके बारे में बात करना? आई डोंट नो, मेरी माई मॉम इज सोशल वर्कर और हम मेरे घर में बहुत सारी चीजें शुरू से आती थी, तो जैसे केसेस आते थे अलग अलग और बहुत लोगों की लाइफ को मैंने बड़े करीब से देखा है। और फिर जब आप एक मेंबर भी होते हैं आप एक NGO के, तो तब भी आप चीजों को बड़े, तो आपके जो अंदर सही और गलत की जो शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा आपको एक टाइम पे कंट्रोल नहीं रहता है। आप कुछ भी गलत देखते हो आप बोल देते हो। तो आई थिंक सोशल मीडिया पे जब आप अपनी लाइफस्टाइल दिखाते हो जिससे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत लोगों, आप किसी की गाड़ी के पास खड़े होकर फोटो डाल देते हो तो दूसरे को हो जाता है ओ माय गॉड इसके पास ये है, जबकि वो सच नहीं होता। तो जब लोग लाइफस्टाइल से आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं तो आई थिंक सच चीजें सही चीजों के लिए भी आपको सोशल मीडिया यूज करना चाहिए, व्हाट आई थिंक। क्या लगता है, क्या ऐसी तीन वजूहत हैं जिसकी वजह से लड़कियां आसिम रियाज को इतना पसंद करती हैं? बिकॉज ऑफ हिज बॉडी, बॉडी की वजह से एंड बिग बॉस में वो जैसे सबके साथ, ही इज अ वेरी वेरी वेल मैनर्ड एंड वेल बिहेव्ड पर्सन। लड़कियों के साथ बड़ा तमीज से और बड़ा उनको, और वो हर छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करते हैं सामने वाले के, कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई बात बोली है तो वो उनको काफी देर बाद याद रहती है और वो उस चीज पे खरे उतरते हैं। तो बिग बॉस के अकॉर्डिंग ही लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं, लाइक जैसे उन्होंने बिग बॉस में पर्सनालिटी है उनकी, तो उस अकॉर्डिंग उनकी बॉडी, उनका अपेयरेंस, उनका वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड लड़कियों की तरफ, और थर्ड द क्यूट लुक आई कैन से, व्हाट एल्स। Of emotions, how would you react to these YouTube comments on ज्यादा बढ़िया सॉन्ग? अक्षय राउत का कमेंट है, हिमांशी तो ज्यादा बढ़िया आसाम आसिम नाल ही लगती है, आसिम हिमांशी रब ने बना दी जोड़ी। वो कुछ फैंस होते हैं जो बहुत ज्यादा वो जाते हैं, दिल पे लेते हैं बातें, उनको हो गया कि निशवान जी के साथ ज्यादा अच्छी नहीं लग सकती, सिर्फ आसिम के साथ अच्छी लग सकती हूँ। तो वो आप चाहे कोई भी सामने ला दो, उन्होंने बोला उसी के साथ ही अच्छी लगती है, इसके साथ नहीं। एक्शन फिल्म में सलमान या रोमांटिक फिल्म में SRK? रोमांटिक फिल्म विद SRK। ओके, अगर आप इन फॉलोइंग लोगों से एक सवाल पूछना चाहें तो क्या सवाल पूछेंगी? अगर आप शहनाज गिल से एक सवाल पूछना चाहें तो आप क्या सवाल पूछेंगी? पंजाब में जितना मैंने सुना है, बिग बॉस में मैं देखती थी, वो हर किसी के साथ इतना फ्रेंडली क्यों हो जाती है, मतलब उसमें फ्रेंडली इज इन लाइक कि बहुत ओवर अपने आप को ओपन कर लेती हैं, एंड विच इज अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी हार्मफुल समटाइम। और मैं बहुत कम ओपन होती हूँ, उसी वजह से मेरे को लोग जज भी करते हैं, बट समवेयर मैं अपने आप को कई सिचुएशंस में सेव कर लेती हूँ। तो आई थिंक उनके लिए थोड़ा ये चीज क्वेश्चन यार। ओके, अगर आप सिद्धार्थ शुक्ला को अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें क्या सवाल पूछेंगे आप? कि वो शादी क्यों नहीं कर रहे? इज वेरी क्लोज टू हिज मॉम, यस, विच इज वेरी गुड थिंग, बट आई डोंट नो वो शादी कितने ही कर रहे। तो यस यही सवाल होगा। ओके, आसिम रियाज से अगर आप सवाल पूछना चाहें। यस, आसिम अपने लिए केयरिंग है, गुड पॉइंट यार, सॉरी, आसिम अपने लिए केयरिंग बिल्कुल नहीं है, वो अपनी केयर नहीं करता बिल्कुल भी नहीं। ही तो वो उनको अपनी कह इज वेरी केयरिंग अबाउट हिज फैमिली,
और आसपास के लोग फॉर मी, बट खुद के लिए नहीं है. हम हजार बार बोल के थक जाते हैं कि पेन है, जिम मत करो, दो दिन ऑफ ले लो, या आप ये चीज आपके लिए बुरी होगी या वो होगा. नहीं, इन रिजल्ट वो पूरा उनके हेल्थ पे आ जाता है. तो ही इज वेरी केयरलेस खुद के लिए. Alright, Pooja Verma ka comment hai ki Himanshi and Asim are proof that dreams do come true if you work hard. Yes, hum dono aapas mein bahut baat karte hain ki because I remember 25th January and Asim was like, kaise pahunchogi Times Square tak? Ye hamare aapas mein discussions hote hain. Kaise pahunchogi? What are you doing for your dream? Abhi tum aisa kya kar rahi ho ki tumhe lagta hai ghar baithe ho jayega, ye ho jayega. But deep inside, मैंने आसिम को भी सरप्राइज दिया, सीधा पिक्चर भेजी 20th फेब को. मैं अंदर ही अंदर उस चीज पे वर्क कर रही थी, बिकॉज मुझे था जब तक मैं नहीं देख लेती मैं उस चीज में श्योर नहीं हूँ और मैं सभी को नहीं बताना चाहती. तो मुझे पता थी वो चीज, अप्रूवल हुआ, सब कुछ हुआ, बट लास्ट मोमेंट तक पिक्चर देखने तक मैंने नहीं बताया. तो आसिम इज सेम, वो भी बैक, ही हैज अ बैक इश्यूज. और मतलब एक इंसान को कंटिन्यूसली कोई बैक पे स्टैब करे जाए वैसा पेन, मतलब दैट पर्सन इज किलिंग हिमसेल्फ एवरी डे. क्योंकि और जिम भी करना है, बॉडी मेंटेन करनी है, और वो दर्द से चीखे मारना वाला जो सिचुएशन होता है वो उसके साथ होता है. बट अगेन उसके भी कुछ गोल है और हम एक दूसरे को उन चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं कि यस ये करना है वो करना है. तो हम दूसरों को ये सोचते हैं, अच्छा आपने ये बोला है, चलो हम अपने काम से चपेड़ मारते हैं कि ठीक है आप ये चीज देख लीजिए. अभी लोग टाइम्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मेरा अगला टारगेट शुरू भी होगा. What is the craziest thing a fan has done for you? एक फैन ने टैटू बनवाया था और वो मेरे सेट पे आ गए थे, आज से 5 साल पहले की बात है. और क्रेजीएस्ट थिंग ये थी कि वो मेरे ब्रदर, मेरे मदर, मेरे छोटे ब्रदर, मेरी टीम, मेरे हर मेंबर को वो पता नहीं कहाँ से मैसेजेस नंबर ढूंढ लेते थे और मैसेजेस करते थे, जो एक टाइम पे बड़ा वियर्ड हो गया था मेरे लिए कि अच्छा उनको कैसे ये न्यूज़ पता है, या मेरे को लग रहा था जैसे कोई स्टॉक कर रहा हो. तो यही थोड़ी क्रेजीएस्ट चीज थी. व्हिच सेलिब्रिटी कम्स टू माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग? माय इंस्पिरेशन प्रियंका चोपड़ा. आपको पंजाब की ऐश्वर्या राय कहा जाता है जी, because of my eyes. As a compliment, how do you feel about it? Yeah, I really like Aishwarya Rai, and but मुझे लोग messages करते हैं because of my eyes. कहीं कहीं कोई picture है जहाँ पे eyes की वजह से बोल देते हैं, because मेरी eyes green है तो उसकी वजह से बोल देते हैं. But वहाँ पे stage पे सलमान सर ने पहले मेरे को बोला था कि आपको क्या बोलते हैं. वो unfortunately वो clip जो है वो cut कर दिया गया था, और जो मेरा दिखाया गया था उसमें मैं खुद बोल रही हूँ कि मुझे बोलते हैं. लेकिन उससे पहले सर ने मुझे पहले बोला था स्टेज पे कि आपकी आंखें ऐसे मिलती हैं या कुछ. तो आई कांट से दैट कि आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ जेन्युइनली, यस आई नो, बट आई एम हैप्पी कि मुझे मेरी आईज की वजह से उनके साथ कंपेयर करते हैं. उसके बाद फिर सलमान सर ने इसके बारे में कुछ जिक्र किया आपसे? नहीं, जिस दिन हमारी एंट्री थी उस दिन कुछ उन्होंने ऐसे बोला था कि शहनाज पंजाब की कटरीना कैफ है, तो आप क्या हैं? तो मैंने उनको बोला था कि मेरी आंखों से आपको क्या लगता है. तो तब भूमि एंड आयुष्मान और यामी भी स्टेज पे थे, तब उन्होंने ऐसे नाम लिया था. तो लेकिन आई डोंट नो, मैं तो अंदर थी, मुझे पता नहीं था कि वो क्लिप कट गया है, कि उन्होंने वो एडिट कर दिया है. लेकिन जब फिर वीकेंड का वार पे उन्होंने मेरे से दोबारा पूछा था ये चीज, तब मैंने अपने मुंह से बोला. बहुत लोगों ने इस चीज का फन बनाया कि वो अच्छा अपने मुंह से बोल रही है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था, पहले उधर से उन्होंने बोला. और अगर बोल भी दिया है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ गलत है. यस, आई अडोर हर एंड आई रियली लाइक हर.